तो जैन इरिगेशन के बारे में आपको मेरा व्यू चाहिए मैं जरूर से आपको मेरा व्यू बताता हूँ कि मेरा व्यू क्या है जैन इरिगेशन के ऊपर तो जैन इरिगेशन का चार्ट का स्ट्रक्चर मैं देखता हूँ तो चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा है पचास रुपये का एक हर्डल था वो हर्डल क्रॉस करके दो तीन महीने से स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और रिसेंटली भी ये महीने का आप लोग लो, लो देखोगे तो 54 और लास्ट महीने का भी 55 के आसपास है तो पचास रुपये के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो अच्छी बात है तो टेक्निकली चार्ट के अंदर थोड़ा अच्छा रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहा है बट अभी भी थोड़ा बड़ा रिवर्सल की अगर मैं बात करता हूँ तो सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव रुपीज़ के ऊपर ही मुझे एक एक अच्छा रिवर्सल मुझे देखने को मिल रहा है तो अभी चल रहा है स्टॉक सिक्सटी रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करने की एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको ऐसा सजेशन दे रहा हूँ कि अगर ऊपर की साइड्स पे स्टॉक निकलना स्टार्ट करता है सिक्सटी फाइव रुपीज़ के ऊपर सिक्सटी फाइव रुपीज़ के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है वहाँ पर एटलीस्ट पचास परसेंट क्वान्टिटी में बाय कर लीजिएगा सिक्सटी फाइव रुपीज़ के ऊपर जैसे ही सस्टेन करना चालू करता है वहाँ पर सिक्सटी फाइव रुपीज़ पर फिफ़्टी परसेंट क्वान्टिट्टी आप लोग बाय कर सकते हो और वहाँ से फिर थोड़ा डाउनफॉल अगर स्टॉक दिखाता है तो वहाँ पर सिक्सटी टू रुपीज़ के आसपास फिफ्टी टू फिफ्टी परसेंट क्वान्टिटी आपको बाय करना चाहिए और फिर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो है फ़िफ्टी नाइन रुपीज़ का तो जैन इरिगेशन कन्फर्मेशन लेवल मेरा ट्रिगर होता है उसके बाद किसी को भी काम करना है तो काम कर सकते हो थोड़ा महंगा लेने की मैं बात करता हूँ बट कन्फर्मेशन लेवल है आप फंसोगे नहीं ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा तो जिस तरह से बताया है उस तरह से आप लोग काम कीजिएगा और पचास रुपये के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो स्टॉक्स थोड़ी सस्टेन सस्टेन होगा ऐसा मेरा मानना है टेक्निकल्स को देखते हुए तो जिस तरह से बताया है आप लोग ज़रूर से देखिएगा दोस्तों